अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदई फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यिमा बकियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। कर्बला मौला बैनुल हरमैन मोहब्बतों का मकाम, इश्क को जाहिर करने की धरती। आइए करबला मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पर हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फिदाए तुराब इब्ने अबू तुराब अलैहिस्स सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़े अकीदत अजरे रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका याबना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका याबना अमीरिल मुमिनीन वबना सय्यदिल वसीयीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका याबना फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन वअलल अरवाहिल लती हल्लत बिफिनाइक عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास याबना अमीरिल मुमिनीन वाबना क़ातिलिल मुश्रिकीन अल मुती'ु लिल्लाहि वले रसूले वले अमीरिल मुमिनीना वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या कतीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या कमरल अशीरा, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। करबला मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदी दर्ज करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 30 रमज़ान अज़ीम 1443 हिजरी की आखिरी घड़ियाँ गुजर रही हैं। आज दो
मई 2022 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 857 बारगाह अकदस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज पीर का दिन है। दो सरदारों इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। मौला की बारगाह के अंदर मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व ताला आप सब पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह शायर खातून जन्नत अलैहिस्सलाम सैयद ज़ुल्फ़िकार अली जैदी साहब, जो कि फ़हर के नाम से मशहूर हैं और सीनियर मातमी सालार तंजीम ग़ुलामान मासूमीन मासूमीन इमाम बारगाह मुहाजरीन तहसील अलीपुर ज़िला मुजफ़्फ़रगढ़ जनूबी पंजाब पाकिस्तान से हैं, और मनकबत खां मुश्ताक हुसैन साहब हैदराबाद इंडिया, जो कि हालिया तौर पर मुकीम है दुबई के अंदर शिरकत फरमाएंगे, और नोहा खां ग़ुलाम अब्बास जॉन साहब सालार हैं नोहा खां पार्टी किसाए ज़ारा अलैहिस्सलाम जंड तहसील जंड अटक पाकिस्तान से, और एक मेहमान जिन्होंने शिरकत फरमाना थी नोहा व मनकबत खां दानिश अली रिजवी साहब कराची पाकिस्तान से, पासुख गो ना रहे लिहाजा उम्मीद है कि शिरकत फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह ज़ाहिर वो पासुख गो ना थे, अल्लाह ताला खैर करे, न जाने क्यों पासुख गो ना थे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत सलामती अता फरमाए ताकि वो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर शिरकत फरमा सके। खुदावंद मुताल का जितना भी शुक्र अदा किया जाए इस नेमत उज़्मा पर कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए चंद घड़ियाँ अता फरमाई, उतना ही कम है। और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर हर लहजा हर आन हर घड़ी खुश होकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, और अपने आप को इखलास से हमकिनार करके अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के लिए हमें माइल किए रखना चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह के अंदर इखलास की ज़रूरत होती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह के अंदर दिखावे और रियाकारी की जरूरत नहीं होती। जिसका जितना इखलास होता है उतना ज्यादा मुतदय्यन होता चला जाता है, और अपनी जात को पैसे पुष्ट डाल के अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए फिदाकारी का जज्बा उसके अंदर बुलंदतर होता चला जाता है। लिहाजा हम दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अमल के मैदान के अंदर हम पीछे रह जाते हैं। क्यों, किस लिए? कभी हमारी दुनियावी मजबूरियां हैं, कभी हमारी इखलाकी मजबूरियां हैं, कभी हमारी एतकादी मजबूरियां हैं, और कभी कभार हम खुद इतने मजबूर खलक हुए हैं कि दुनियावी मजबूरियां हमारे ऊपर हायल हो जाती हैं। लिहाजा अपनी मजबूरियों को दूर करने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने साहिब कुदरत साहिब इख्तियार मौला मुंजी हादी मालिक वारिस का हर वक्त तज़किरा करना चाहिए ताकि हम लोग गफलत से दूर हो जाएं। सबसे बड़ी मजबूरी जो है हमारी गफलत है, जो कि हम करते हैं आँखों के सामने कर रहे होते हैं, पता नहीं होता हम कर के आ रहे हैं, लिहाजा इसी को गफलत कहा जाता है, और ये गफलत जो है इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। लिहाजा गफलत से बचने के लिए अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल गाफिलीन, अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिनल गाफिलीन, अपने आप को गफलत से बचने के लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए। देखते हैं कब तक दोस्तान को मिलाकर फ़ोन मुझे दिया जाता है, तो बहरहाल जब तक कॉल नहीं मिलती मैं उस वक्त तक आपकी खिदमत के अंदर कुछ कलाम के बोल पढ़ देता हूँ, ताकि मोमिनीन आपको करबला मौला के अंदर जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि 30 रमज़ान अज़ीम हुई आज, और कल तकरीबन ईदुल्फ़ितर होगी। ईद उल फितर के अंदर फितराना होता है, लिहाजा ईद उल फितर कहा जाता है, और ईद के जिस तरीके से इंसान को गम के बाद खुशी मिलती है, इंसान के लिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर कैफियत रखी है। नसीब जिसको दरे बूतुराब हो ना सका, नसीब जिसको दरे बूतुराब हो ना सका, वो बदनसीब रहा फैज़ याब हो ना सका। वो जिसने उम्र गुजारी हो बुग़्ज़े हैदर में, वो जिसने उम्र गुजारी हो बुग़्ज़े हैदर में, बरोज़े हश्र वही कामयाब हो न सका। जो शहर इल्म में दाखिल ना बाब इल्म से हो, जो शहर इल्म में दाखिल ना बाब इल्म से हो, करीब शाफ़े रोज़े हिसाब हो न सका। अली है साकी कौसर, अली है शेर खुदा, अली है साकी कौसर, अली है शेर खुदा, अली सा कोई कहीं लाजवाब हो न सका। सिला ये कम तो नहीं जिक्र मुर्तज़ा के तुफैल, सिला ये कम तो नहीं जिक्र मुर्तज़ा के तुफैल, लहद में कोई सवालो जवाब हो न सका। सिराते हक जो किसी को न मिल सका सकलैन, सिराते हक जो किसी को ना मिल सका सकलैन, वो जुल्मतों में रहा बारयाब हो न सका, वो जुल्मतों में रहा बारयाब हो न सका।
और एक और जनाब शोरब कादमी का कलाम पढ़ देता हूँ जब तक दूसरी काल मिलाई जाती है। रोशन रोशन विलाए आल से अपनी हयात है, रोशन विलाए आल से अपनी हयात है, सद शुक्र ताबा राहे हयातो ममात है। रोशन विलाए आल से अपनी हयात है, रोशन विलाए आल से अपनी हयात है, सद शुक्र ताबा राहे हयातो ममात है। ऐ अहले ईमा सुन लो ये अनमोल बात है, अहले ईमा सुन लो ये अनमोल बात है, जन्नत है करबला तो नजफ कायनात है। इकराम अहले बैत की कोई नहीं मिसाल, इकराम अहले बैत की कोई नहीं मिसाल, बेशक इन्हीं के सदके में अपनी नजात है। मांगो शबे बरात में सबके लिए दुआ, मांगो शबे बरात में सबके लिए दुआ, ये कद्र की है शब यही बरकत की रात है। कुरान में इमाम मुबीन जिसका है लकब, कुरान में इमाम मुबीन जिसका है लकब, शोजब उसी के नाम ये सोमो सलात है, शोजब उसी के नाम ये सोमो सलात है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनकबत खां मुश्ताक हुसैन साहब, हैदराबाद इंडिया, हालिया तौर पर मुकीम है दुबई के अंदर। अस्सलामु अलैकुम। सलामुन अलैकुम। या अली मदद। या अली मदद, बेहद शुक्रिया आप सबका जिसने मुझे दावत दिया इस प्रोग्राम में हासिल करने का। आपने बुजुर्गवारी फरमाई और शिरकत फरमाई, मोमिनीन को सवाब में शरीक फरमाया आपने। मौला आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए तले रखें। बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मवद्दतों की घड़ियां, नजराने अकीदत पेश करने का वक्त। बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ की गूंज यकीनन आपके लिए तस्कीन का सबब है। मौला की बारगाह में हदीय जिक्र पेश कीजिए, मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर तर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बेहद शुक्रिया, मैं शहजादी के हवाले से एक नोहा पेश करूंगा, इंशाल्लाह आप समाप्त फरमाइए। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अला नादाहुम अजमईन। क्या हाल ये उम्मत ने, क्या हाल ये उम्मत ने, जहरा का बनाया है पहलू शिकस्ता है, तुरपा है पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी, 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। दरबार में जालिम ने की ऐसी पजीराई, किस तरह से तू बीबी फिर लौट के घर आई, अरे बालों की सफेदी ने सब हाल सुनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। रोती रही घर में है दर्द
से भी छुप छुप के इस्मत की तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे, कुछ दर्द तेरे बीबी बस जानती फिजा है, पहलू भी शिकस्ता है तुरबत भी शिकस्ता है, मिसमार तेरा रोजा मिसमार तेरा रोजा उम्मत ने किया जब से बाबा तेरा रहता है, कुर्बत पा तेरी तब से कब गुम्बत खिजरा में बाबा तेरा रहता है, पहलू भी शिकस्ता है तुरबत भी शिकस्ता है, मरहम तेरे जख्मों का बीबी ना मिला अब तक, औलाद उमैया की बाकी है जवाब तक, रोने पर भी पहरा था तुरबत पर भी पहरा है, पहलू भी शिकस्ता है तुरबत भी शिकस्ता है, दो ऐसे जनाजे हैं तारीख में जो उठे, बस घर के ही लोगों ने बस घर को दिए कांधे, एक फातिमा जहरा है एक बाल सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है तुरबत भी शिकस्ता है, अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें, ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। बहुत खलूस के साथ मोहब्बत के साथ आपने शिरकत फरमाई, अहले बैत अलैहिस्सलाम आपकी इस तौफीक को अपनी जनाब में मकबूल फरमाएँ, सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें जिक्र मारफत व मोहब्बत इश्क अहले बैत अलैहिस्सलाम से ज़माने में ये जिक्र मारफत आम करते रहें। खुदा वंदे मुताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। जब जब मौका मिला ये आपका अपना प्रोग्राम है, दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, उम्मीदवार रहूँगा, आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुकद्दस महफिल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ मनकबत खां मुश्ताक हुसैन साहब हैदराबाद इंडिया से, जो हालिया तौर पर मुकीम हैं दुबई में। अलाफ़ खुदा वंदे मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। जवार नफीस मेमन साहब वाह वाह क्या कहने जिंदगियां सैयद, मौला आपको भी सलामत रखें, आबाद रहें आबाद रहें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शायरे खातून जन्नत अलैहा सलाम सैयद ज़ुल्फ़िकार अली जैदी साहब, जो कि फ़हर के नाम से मशहूर हैं, सीनियर मातमी सालार तंजीमी गुलामान मासूमीन इमाम बारगाह मुहाजरीन तहसील अलीपुर ज़िला मुजफ़्फ़रगढ़ जनूबी पंजाब पाकिस्तान से हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद जनाब। करबलाए मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है, आज तीसवां रोज़ा करबलाए मौला में, और यकीनन आपके यहाँ भी तीसवां ही रोज़ा है, तो अय्याम करार दिए जा रहे हैं हमारे चैनल की तरफ से, अव्वल शव्वाल से लेकर 10 शव्वाल तक मखसूसी इन्हिदाम जन्नतुल बकी से मुतालिका, तो चाहूँगा बीबी से मुतालिका अगर कलाम हो जाए तो बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम व लअन अदाअहुम अजमईन।
इन्हदाम जन्नतुल बकी के हवाले से एक कथा है कि फातिमा जहरा के रोजे को गिराया था। बेशुमार फातिमा सहरा के रोजे को गिराया तूने, कब्र में खून मोहम्मद को रुलाया तूने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हश्र की धूप में छाओ है जो मोमिन के लिए, हश्र की धूप में छाओ है जो मोमिन के लिए, उसकी तुर्बत पे चुना धूप का साया तूने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ये एक कथा और है कि गैबत से निकल आए जो खुर्शीद कयामत। अल्लाहु अकबर। गैबत से निकल आए जो खुर्शीद कयामत, इस ख्वाब को शर्मिंदा एक ताबीर करेंगे। इंशाअल्लाह। ऐ बिनते नबी, तुझसे ये वादा है हमारा, हम असर नौ रोजे को तामीर करें। वाह 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 वाह। जियो कमाल। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। गैबत से निकल आए जो खुर्शीद कयामत, इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। ऐ बिनत नबी, तुझसे ये वादा है हमारा, हम असर नौ रोजे को तामीर करेंगे। वाह 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 वाह। रमजान के हवाले से शहादत जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, उसके चंद मुसद्दस हैं कि रह गए तन्हा अली जब अहमद मुरसल के बाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रह गए तन्हा अली जब अहमद मुरसल के बाद, दुश्मन हैदर हुए सब अहमद मुरसल के बाद, खून रोया आशिक रब अहमद मुरसल के बाद, कुफ्र होता था मुरतब अहमद मुरसल के बाद, कत करना चाहता था कुफ्र दस्ते किरदगार। कत करना चाहता था कुफ्र दस्ते किरदगार, मुत्तफिक था बहरे हैदर पर वो बहरे इक्तदार। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कत्ल की साजिश रचाई थी अमीर शाम ने, राह काफिर को दिखाई थी अमीर शाम ने, इस तरह दोजख कमाई थी अमीर शाम ने, आग कूफे में लगाई थी अमीर शाम ने। वारिदे कूफा हुआ तो वारिदे कूफा हुआ वो आखिर शाबान में, मुनहदिम करने को आया रुकने दी रमजान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वारिदे कूफा हुआ तो मर मिटा कुत्ताम पर, जिसका जादू चल गया था दुश्मने इस्लाम पर, डाल ही पाया न वो अपनी नजर अंजाम पर, तेग उसने खेच ली अल्लाह की शमशान पर। अल्लाह अल्लाह। ज़ौज ज़हरा नूर अहमद और रुखे रब्बे उला। ज़ौज ज़हरा नूर अहमद और रुखे रब्बे उला, महर में कुत्ताम ने मांगा था फरके मुर्तजा। बेशुमार बेशुमार। इब्ने मुलजिम ने सुना जब ये कुतामा का बयां, फख्र से बोला कुतामा मुझसे पाएगी कहाँ। ख्वाहिशे कत्ले अली पहले से थी दिल में निहां, मैं यही अरमान पूरा करने आया हूँ यहाँ। इब्न मुलजिम देखना वो दिन तुझे दिखलाएगा, तेग समालूद से हैदर नजब बच पाएगा। अलगरज रमजान की 19वीं शब आ गई, और सरे सादात पर एक गम की बदली छा गई, शाह मर्दां की ज़ईफ़ी बद नजर को भा गई, और उन आँखों पे जो सादात का घर खा गई, हैफ उन पर कत्ल की साजिश में जो मशगूल थे, हो नहीं सकते वो हक पर बस के नामाकूल थे। दुश्मने आले नबी का कुफर पर था एतिकाद, उठ चुका था उस लई का दीन हक से एतिमाद, पल रहा था नहर वहाँ की जंग से दिल में इनाद, आखरश मस्जिद में आया तेग लेकर ना मुराद, दिल सुलगता था अली के बुग्ज और नफाक में, अजर अहमद उस शकी ने धर दिया था ताक में। हाय 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 हाय। पेशतर हजरत से मस्जिद आ गया तब वो लही, सर में सौदा कुफर का था, सर में सौदा कुफर का थी तेग जेरे आस्ती, मकर से मस्जिद में आके सो गया वो बरजमी, सजदे अव्वल में पहुँचे जब अमीरुल मोमिनीन, बढ़ के उसने तेग फरके मुर्तजा पर मार दी, हिल गए अफलाक
खून बरसा जमीन थर्रा गई, लर्जबर अंदाम थी यसरब में कब्रे मुस्तफा, लहद में जेरे कफन सर पीटती थी फातिमा, कर दिया एक जरब ने दो लख्त फरके मुर्तजा, जरब की शिद्दत से रब का शेर भी त्योरा गया, सर उठा पाए न आका सजदे अव्वल के बाद, हो गई अंधेर दुनिया सजदे अव्वल के बाद, मस्जिदो मेहराब मिंबर सब सतू गुलगू हुए, ख्वाब जो देखे शबे हिजरत अली ने खून हुए, खून उगला खाक ने जेर सबर कर दूं हुए, भाग निकला वो शकी हालात जब मौजू हुए, जब हुआ जारी अली के सर से खून मुस्तफा, जब हुआ जारी अली के सर से खून मुस्तफा, हो गया मैं शर्म अपा मातम कुना जिब्रील था, गुल हुआ मारा गया सजदे में इमरा का खलफ, चौक दर चौका रहे थे लोग मस्जिद की तरफ, हो गया जख्मी मददगारे रसूल मां सलफ, शिद्दत जरबत से था लाले यमन तुर्रे नजफ, इब्न मुलजिम को पकड़ने लोग दौड़े चीखते, दाखिले मस्जिद हुए हसनैन सर को पीटते, आके मस्जिद जब पदर पर की नजर हसनैन ने, बाप को देखा लहू में तर बतर हसनैन ने, अपने अम्मामों को पटका खाक पर हसनैन ने, कौन था कातिल ये पूछा सर बसर हसनैन ने, ईद से पहले हमारी कौन खुशियां ले गया, कौन था जो ईद का तोहफा यतीमी दे गया, कौन था जिसने किया जहरा के बच्चों को यतीम, कौन सर सर कर गया आकर यहाँ बादे नसीम, कौन था जिसने डुबोया खून में कुरान करीम, कौन था हमको बताओ बहरे रहमान और रहीम, कौन था वो चैन लेकर दे गया ये दर्द जो, कौन था जिसने किया जख्मी खुदा के शेर को, तब लगे कहने सभी वो था बिने मुलजिम नहीं, कर दिया शक जिसने अपनी तेग से दुर्रे समी, एक जरबत से किया जिसने दो आलम को हजी, आलम खश है तड़पते हैं शफीउल मुज़नबी, सुन के ये सब माजरा गरका बेगम हसनैन थे, सुन के ये सब माजरा गरका बेगम हसनैन थे, बाप को लेकर पिसर रोते हुए घर को चले, अहले खाना को रुलाया जरब की तस्कीर ने, हाल सारा कह सुनाया शब्बर और शबीर ने, बाप पर गिर कर ये पूछा ज़ैनबे दिलगीर ने, कर दिया जख्मी मेरे बाबा को किस पे पीर ने, बैन था जैनब का हाय हो गई जैनब यतीम, रहम कर बिन माँ के बच्चों पर तू रहमान और रहीम, फिर गया आँखों के में नक्शा मारिया के दश्त का, देख कर जख्मी पिदर को नाला और शेवन किया, पहले अम्मा हो गईं अब आप मत होना जुदा, सर बसर सर पीट कर जैनब ने की आहो बुका, क्यों बुझाई शम्मा यजदां बिने मुलजिम शकी, क्यों बुझाई शम्माए यजदां बिने मुलजिम शकी, क्यों कमाया जर्ब से इसियां बिने मुलजिम शकी, हो गए जर्राहे कूफा सब के सब ही ना उम्मीद, हो गए जर्राहे कूफा सब के सब ही ना उम्मीद, देख कर कहने लगे ये जख्म है बेहद शदीद, हो चुका शामिल लहू में जहर हो कैसे कशीद, रो दिए हसनैन सुनकर उनकी ये गुफ्तो शुनीद, जब असर अपना दिखाया जहर की तासीर ने, कर लिया चाके गरेबा शब्बर और शब्बीर ने, वो मिला दागे जिगर 21वीं तारीख को, छिन गई राहत फहर 21वीं तारीख को, लुट गया जहरा का घर 21वीं तारीख को, कर गए हैदर सफर 21वीं तारीख को, ऐ खुदा पर्दा उठा अब अदल की मैजान से,
ऐ खुदा पर्दा उठा अब अदल की मीजान से, भेज उसको पुर करे दुनिया तेरी ईमान से। मोहम्मद इमान, मोहम्मद इमान, अज्जिल फरज हूँ, सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें, आपका कलाम इसी तरीके से प्यारे प्यारे कलाम लिखता रहे, और आप हमेशा मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम, मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम, जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम को ज़माने में आम करते रहें, ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारा बयान मौला की बारगाह में आपने हदिया फरमाया। दुआ गो हूँ खुदा वंदे मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। यह आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला की बारगाह में जिक्र पेश करने के लिए दावत देने का शरफ हासिल करता रहूँगा और आपसे उम्मीदवार रहूँगा। हमलावाई फरमा कर इस मुकद्दस महफिल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ शायर खातून जन्नत अलैहा सलाम सैयद जुल्फ़िकार अली जैदी साहब, जो कि मशहूर हैं फ़हर साहब के नाम से, और सीनियर मातमी सालार तंजीम ग़ुलामान मासूमीन इमाम बारगाह मुहाजरीन तहसील अलीपुर ज़िला मुजफ़्फ़रगढ़ जनूबी पंजाब पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। खुदा वंदे मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। खुलूस के साथ कलाम को मौला की बारगाह में पेश कर लेना ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता है। कलाम बात वही असर रखती है जो दिल से निकलती है, लिहाजा खुलूस को हमें शामिल हाल रखना है और इसी तरीके से मौला की ड्यूटियाँ देते रहना है। यासीन अली साहब ने व्हाट्सअप पे अपना नंबर लिखकर भेजा है, व्हाट्सअप नंबर, अब ये व्हाट्सअप पर नहीं बल्कि फेसबुक के ऊपर अपना नंबर लिखकर भेजा है। न जाने क्यों लिखकर भेजा है, ये मेंशन कर देते तो अच्छा था। बहरहाल आपने नंबर लिखकर भेजा है। नज़ाकत लगारी साहब ने लिखकर भेजा, सलाम सलाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपका सलाम कबूल फरमाते हैं, मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। फिर नज़ाकत लगारी साहब ने लिखकर भेजा, लब्बैक या हुसैन मज़लूम करबला, मौला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें। फिर नज़ाकत लगारी साहब ने लिखकर भेजा, मज़लूम बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, बेशक कलाम हक कहा आपने, बीबी पर बहुत जुल्म हुए बाबा के बाद, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपने मातमदारों में आपको शुमार फरमाए। फिर नज़ाकत लगारी साहब ने लिखकर भेजा, हाय मज़लूम, यकीनन मज़लूम अहले बैत का पूरा घराना है, अहले बैत का पूरा खानवादा मज़लूम है, इस उम्मत ने करार ही कहाँ लगने दिया खानवादा इस्मत व तहारत को, और अहले बैत अलैहिस्सलाम को हमेशा गम और रंज व मिहन में मुबतला रखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खां गुलाम अब्बास जौन साहब, सालार हैं नोहा खां पार्टी किसाई दहरा अलैहिस्सलाम जंड तहसील जंड अटक पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। या अली मदद, पीर मौला अली सलाम मदद, करबलाए मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। मवद्दतों के नजराने पेश करने का दिन है, चाहूँगा मौला की बारगाह में रमज़ान की आखिरी घड़ियाँ शब ईद मौला की बारगाह में नजराने अकीदत पेश कीजिए। पिछली मरतबा आप शिरकत नहीं फरमा सके थे, आपकी तबीयत अब ठीक है इंशाल्लाह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौला के करम से बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। जी इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। बेकसों के मददगार मौला अली, जिस तेरे कोई अपना सहारा नहीं, देखसों के मददगार मौला अली, जिस तेरे कोई अपना सहारा नहीं, तेरा दर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, दर जबी को गवारा नहीं, आए काबे में जिस दम अली के कदम, मुँह के बल गिर पड़े बुत ये कहते हुए,
आइए आइए जानशीने नबी, ये तुम्हारा ही घर है हमारा नहीं। वाह वाह। जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। ऐ मुसलमान असहाब से पूछ ले, क्या ये खुम्मे नबी ने पुकारा नहीं। वो तो कम ज़र्फ है जो तुझे छोड़ दे, वरना मौला अली तेरी ताज़ीम को, जो पलट कर न आए वो सूरज नहीं, जो न चौकट कुछ में वो तारा। वाह वाह वाह। उम्र भर यूं ही भटके गनादान वो, जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं, जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं, उसकी कश्ती का कोई किनारा नहीं। लाख तूफान आए मुझे गम नहीं, मेरे होंठों पे है विर्द नादे अली, जो डुबो दे भंवर में सफीना मेरा, ऐसा कोई भी तूफान का धारा नहीं। क्यों बुलंदी पे नाजा है तू इस कदर, मैं गुलामे अली हूँ गुलामे अली, ऐ फलक तू तो क्या तेरी महफिल में भी मेरी किस्मत का कोई भी तारा नहीं। आ रही है ये मरहा की अब तक सदा, जुज़ अली गर कोई फौज इस्लाम में, गैर फरार करार जरार था, जंगे खैर में क्यों तीर मारा नहीं। मैं सलाम और पेश कर रहा हूँ शहीद से जाफर साहब पेश कर रहा हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम के ही बारे में। घर अली नहीं आते जिंदगी नहीं आती, जिंदगी नहीं आती रोशनी नहीं आती, रोशनी नहीं आती बंदगी नहीं आती, बंदगी नहीं आती आ गई नहीं आती, रूह के गुलिस्तान में ताजगी नहीं आती। वाह वाह वाह। नफ्स बेच कर अपना किस सकून से सोया, उसका एक शब सोना कायनात ने देखा, जब तलक तकिया मर्जी इलाही का और न
सर हो बिस्तर रसूल खुदा मुर्तजा को बिस्तर पर मुर्तजा को बिस्तर पर नींद ही नहीं आती वो रसूल का बिस्तर गर ना तू भुला देता फतह खंदक खैबर गर ना तू भुला देता कत्ल मरहबा तर गर ना तू भुला देता वो मीर का मेहर गर ना तू भुला देता शेख तेरे से में शेख तेरे से में तीरगी नहीं आती वाह 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 कलमा जिसका पढ़ते हो बुग्ज़े उनसे रखते हो भीख के भी तालिब हो दम भी उनका भरते हो उनके दुश्मनों से तुम राह रसूल रखते हो दावाए मोहब्बत है दुश्मनी भी करते हो कैसे उम्मती हो तुम कैसे उम्मती हो तुम शर्म भी नहीं आती अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहु जवेद भाई जी सदाबाद रहें अच्छा जवेद भाई जी जी अच्छा इजाजत है कलाम और की या टाइम बस एक मिनट रहता है उसमें आप कुछ पढ़ना सकेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में हूँ जब जब मौका मिला मौला की बारगाह के अंदर आपको दावा देने का शरफ हासिल करता रहूँगा मौला आपको भी सलामती खैर आफियत अता फरमाएं सदाबाद रहें मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं बहुत खलूस के साथ आप शिरकत फरमाते हैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं मौला आपको सुख सेहत सलामती अता फरमाए सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहे ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे जब जब मौका मिला मौला की बारगाह के अंदर जिक्र पेश करने के लिए दावा देने का शरफ हासिल करता रहूँगा उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुकद्दस महफिल को आबाद रखेंगे सदा आबाद रहें सदा शाद रहें सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें ये थे हमारे साथ नोहा खां गुलाम अब्बास जॉन साहब सालार है नोहा खां पार्टी किसाए जहरा अलैहा सलाम जंड तहसील जंड अटक पाकिस्तान से खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए सदा आबाद रहें सदा शाद रहें सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और हमेशा मौला की बारगाह में इसी तरीके से मोहब्बतें पेश करते रहें आखिरी वक्त चल रहा है प्रोग्राम का और कल तकरीबन ईद होगी तकरीबन क्या यकीनन है क्योंकि 30 रोज़ों के बाद तो 31वां रोज़ आज तक किसी ने नहीं मनाया बहरहाल कल ईद होगी तो लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला आप सबको ईद के दिन में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और हुज्जत खुदा के दीदार की और गुनाहों से बचने की परहेजगारी की ईद अता फरमाए क्योंकि मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान है हर वो दिन ईद है जिस दिन इंसान खुदा की नाफरमानी ना करे पाकीज़गी इख्तियार करे तहारत इख्तियार करे नेकी इख्तियार करे शराफत इख्तियार करे लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि सबसे बड़ी ईद तो हम जिसे समझते हैं गुनाहों से बचने का सबब तहारत का सबब पाकीज़गी का सबब और अदल व इंसाफ का सबब और हमारी नजात का सबब हमारी हकीकी हयात का सबब हुज्जत खुदा का दीदार उनका जहूर है जिसके सबब से दीन एहिया किया जाएगा दीन को बका मिलेगी जिनके सबब से हमें हर चीज़ मिल जाएगी लिहाजा आखिरी वक्त चल रहा है प्रोग्राम का अव्वल शवाल से लेकर 10 शवाल तक इन्हदाम जन्नतुल बकी के मुनासबत से हमारे प्रोग्राम को किया जाएगा और इसमें बीबी और जन्नतुल बकी से मुतालिका बातें की जाएंगी आइए मिलकर दुआ मांगते हैं रमज़ान की आखिरी दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज Yeah.
है।